हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विभाष ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। यह बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट है। यदि आप अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। फर्स्ट पार्ट में हम बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे भगवान बुद्ध, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में और उसके पर्सनल लाइफ से किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम डिस्कशन किए हैं। और यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट में हम भगवान बुद्ध से रिलेटेड उसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं और उनके गुरु कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ यहाँ से किस किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इसका स्टडी करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं बौद्ध धर्म का जो सेकेंड पार्ट का वीडियो है, इसमें देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ और ज्ञान प्राप्ति को कई बुक में जैसे प्रबोध प्राप्ति, मतलब ज्ञान को प्रबोध भी बोलते हैं, प्रबोध प्राप्ति भी लिखा है। इसलिए आपके ऑप्शन यदि एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे भगवान बुद्ध को प्रबोध प्राप्ति कहाँ हुआ तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुआ या बोध गया में हुआ, जिसे उरुबेला भी बोलते हैं, बोध गया के उरुबेला में। और यह जो स्थान है वो निरंजना नदी के किनारे पर है। निरंजना नदी को आज के टाइम में फल्गु या पुनपुन नदी कहते हैं, ठीक है। वह निरंजना नदी या ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हो, निरंजना नदी हो, फल्गु नदी हो या पुनपुन नदी हो, इसके तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और यह जिस पेड़ के नीचे वह बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तपस्या किए थे, वह पीपल के पेड़ थे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे। अब देखिए ये एग्जाम 2001 के एग्जाम में पूछा गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था, कहाँ हुआ था, तो उसे बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ है और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। अब देखिए बात यहाँ की रटने की जरूरत नहीं, भगवान आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने गृह त्याग किए थे, ठीक है। और 35 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, तो ऑब्वियसली उसे 6 वर्ष की तपस्या उन्होंने किया है। अब जो है तो अब ये यहाँ से उसके ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ और मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, ठीक है। किस दिन हुआ है ये IAS एग्जाम 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उसे सिद्धार्थ से उसका नाम बदल करके बुद्ध कर दिया गया, मतलब बुद्ध की उपाधि उसे ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मिला है, ठीक है। और इसको बौद्ध धर्म में या कहा जाए प्राचीन ग्रंथों में या उपनिषदों में बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर ज्ञान प्राप्ति, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो नाम था भगवान बुद्ध का पहले, उसके बाद उसे बुद्ध की उपाधि दे दिया गया। और ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि भी कहा जाता है। और यहाँ से आपको दो क्वेश्चन और याद रखना होगा कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में, बहुत ही पवित्र दिन के रूप में माना जाता है। और भारत सरकार की ओर से, मतलब केंद्र सरकार की ओर से, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम पर हॉलीडे होता है। यह मई महीना के किसी भी दिन बुद्ध दिन के मतलब पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। अब यहाँ इसलिए ये बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि भगवान बुद्ध को सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं, भगवान बुद्ध का जन्म और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ है, ये तीनों ही चीज़ें, जिसी की वजह से वैशाख पूर्णिमा या उसे बुद्ध पूर्णिमा कह सकते हैं, उसको बौद्ध धर्म में या मतलब इंडिया में कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र दिन के रूप में माना जाता है। इसी के साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपको पता होगा कि भारत ने परमाणु परीक्षण, मतलब परमाणु का सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया था। कब किया था ये डेट याद रखिएगा, 18 मई 1974 को। और इस दिन जो दिन था वो भी बुद्ध पूर्णिमा था, वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था 18 मई को। और जो उस मिशन का नाम रखा गया था परमाणु बम परीक्षण के लिए, उस मिशन का भी नाम था बुद्धा स्मैलिंग। याद रखिए ये भी कई एग्जाम में पूछा है, बुद्धा स्मैली, मतलब परमाणु
पोखरण राजस्थान में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका जो कोड क्या था, तो उसका कोड था बुद्धा स्मैलिंग, जो 18 मई 1974 को किया गया था वैशाख पूर्णिमा के ही दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि प्रथम उपदेश है भगवान बुद्ध का, प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिए थे, ये दिए थे ऋषि पतन में जो सारनाथ में है, और सारनाथ आपको पता है ये वाराणसी के नज़दीक है, वाराणसी मतलब ऋषि पतन सारनाथ वाराणसी में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। अब देखिए बीपीएससी एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उस उपदेश में उन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों के उपदेश दिए थे जिसमें आचरण की शुद्धता के लिए उपदेश दिए गए थे। और भगवान बुद्ध के इस उपदेश को, जहाँ भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए भगवान बुद्ध की जो प्रथम उपदेश थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। सिर्फ ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि देखिए बीपीएससी एग्जाम 2005 और 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही यूपीपीसीएस 2004 और 2005 में पूछा गया है, एमपीपीसीएस 1991 और 92 में पूछा गया है। और आप लोग जो एसएससी या एनटीपीसी रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको यदि ऐसा लगता होगा कि उस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यहाँ से, ऐसा नहीं है, एसएससी के साथ साथ रेलवे या अदर कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में बहुत धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर इसे डिनोट नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, जिसमें हमें बहुत से बहुत कोशिश किया हूँ कि सीजीएल में जो कुछ क्वेश्चन को जाऊँ उन्हें डिनोट करने की, साथ साथ सारे क्वेश्चन को करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसे एक बार या दो बार इस वीडियो को देखें और उससे आपको याद हो जाएगा, और याद ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए पूछा गया, ये भी यूपीपीसीएस एग्जाम 2011 में पूछ लिया गया है, यह श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, जो सीजीएल सीपीओ 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, श्रावस्ती जो है एक कौशल राज्य की राजधानी थी। ठीक, अब कौशल राज्य के बारे में जानते होंगे, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, और यह सर्वाधिक उपदेश देखिए यहाँ पर एक चीज और है, श्रावस्ती के उसके सर्वाधिक अनुयायी भी थे। देखिए आप ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक उप मतलब के अनुयायी कहाँ के थे, इसी जीएल 17 में पूछा गया है। और अंगुलीमाल डाकू का नाम आप सुने होंगे, जो भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उन्होंने डाकू वाले काम मार कट करना छोड़ दिए थे। ठीक है, ये अंगुलीमाल डाकू भी ये श्रावस्ती के थे। प्रीवियस ईयर की एक क्वेश्चन है, मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन किसी एग्जाम में मैं ये पूछ रहा हूँ अंगुलीमाल डाकू कहाँ के थे, तो याद रखिए ये श्रावस्ती के थे। अंतिम उपदेश जो है, जो अंतिम उपदेश जो भगवान बुद्ध के हैं, या कुशीनगर में दिए गए थे, देखिए सीजीएल 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अंतिम उपदेश जो उन्होंने सुभद नामक शिष्य को दिए थे, और सुभद को ही किसी किसी बुक में सुभच्छ, याद रखिएगा सुभच्छ वर्ड लिखा गया है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं रहिएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में यदि ऐसा ऑप्शन आएगा तो सुभद या सुभच्छ इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। एक देखिए यूपीपीसीएस 2013 और यूपीआरओ 2016 में एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है उपदेश, देखिए भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश जनरली भगवान बुद्ध ने दिए हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट पाली भाषा में दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं उनके गुरु, जो लिखा है अलार कमान। ठीक है, उसके जो प्रथम शिष्य थे, प्रथम गुरु थे भगवान बुद्ध के, प्रथम गुरु अलार कमान है, जो सीजीएल 2018 और यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पूछे गए थे अलार कमान इनमें से क्या थे, उसके गुरु थे, प्रथम गुरु थे, सेकेंड गुरु थे, शिष्य थे, तो इस टाइप का ऑप्शन था, इसलिए 2018 में क्वेश्चन पूछे। और भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, 4 ऑप्शन दे दिया गया था, तो और एक ऑप्शन में आंसर थे अलार कमान, तो यूपीपीसीएस 2010 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये अलार कमान जी जो है वो भगवान बुद्ध को संख्या दर्शन के शिक्षा दिए थे, और ये शिक्षा कहाँ दी, याद रखिए वैशाली में, ये भी कई बार एग्जाम जगह भी पूछते हैं, उसे वैशाली में यह शिक्षा दिए थे, क्योंकि प्रथम गुरु जो था आलार कमान उसे वैशाली में मिले थे और उन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा दी थी। सेकेंड गुरु उसको है मतलब दूसरा जो गुरु है रुद्रकरामपुत्र। ठीक है, रुद्रकरामपुत्र उन्होंने दूसरे गुरु थे जो उसे राजगीर में मिले थे, उनकी शिक्षा उन्होंने राजगीर में शिक्षा प्रदान किए थे भगवान बुद्ध को। ठीक है, और आनंद, ठीक है, यह भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे।
आपको भी पता होगा कि आनंद के ही कहने पर भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति दी थी वहाँ के भगवान मतलब बौद्ध धर्म मानने के लिए। और आपको पता होगा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि फर्स्ट महिला जो भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म में शरण लिए थे, बौद्ध धर्म में आए थे, वो भगवान बुद्ध की ही सौतेली माता या उसकी मौसी थी। ठीक है, तो ये उसको भी जो है सो आनंद के ही कहने पर उसके मौसी का भी बौद्ध धर्म में अनुमति मिला था। ठीक है, और लेकिन नेक्स्ट है आपका सारिपुत्र मोदगलायन। ठीक है, सारिपुत्र जो मोदगलायन जो है ये भी शिष्य थे भगवान बुद्ध के, जिसका जन्म नालंदा में हुआ है। ठीक है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है यार, ये सारिपुत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सांची का स्तूप जो बना हुआ है कि रायसेन जिला MP मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, याद रखिए कहाँ पर है, MP में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। ठीक है, इसमें इसकी अस्थियाँ मतलब इसी की सारिपुत्र का ही अस्थियाँ वहाँ रखा हुआ है उसी के इस स्तूप में। ठीक है, वैसे जो है ये स्तूप में जो रायसेन जिला में सांची का स्तूप है यहाँ पर यह अस्थियाँ जो है सारिपुत्र का श्रीलंका से ला करके रखा गया है। यहाँ पर साल में हर साल एक साल में एक बार वहाँ पर एक बहुत बड़े मेला का आयोजन किया जाता है। ये रहा ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड वो सेकेंड पार्ट है जहाँ से मैं आपको डिस्कस करवाया हूँ उसके मतलब कौन कौन से उपदेश दिए थे, कहाँ उपदेश दिए थे और ये जो है उसके गुरु कौन कौन से थे। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि आप लोग मुझे आप सर्च करके बताएंगे मतलब भगवान बुद्ध के बारे में कि भगवान बुद्ध का जो है जो पुत्र था, ठीक है, उसका क्या नाम है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम भगवान बुद्ध के और बौद्ध धर्म के जो चार या पांच संगति पांच संगति हुआ है उन पांचों संगति का हम एक एक करके सारे डिटेल का स्टडी करेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, दूसरे किस में, चौथे किसके शासनकाल में हुआ था, किस किस ईस्वी में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस संगति में क्या खास हुआ। ठीक है, मैं सबका एक साथ समराइज करके स्टडी करेंगे जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई कठिनाइयाँ ना हो। चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।